काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए, टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। मीन्स प्रीवियस केसेस मैंने पॉइंटर के टाइप्स डिस्कस किए थे, आइदर बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज और बेस्ड ऑन डेटा टाइप। डेटा टाइप्स के बेसिस पर पॉइंटर्स क्या थे, लाइक कैरेक्टर पॉइंटर, इंटीजर पॉइंटर, फ्लोट पॉइंटर और डबल पॉइंटर्स। नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बेसिस पर पॉइंटर का टाइप डिस्कस किया था, जस्ट लाइक पॉइंटर टू पॉइंटर, कॉन्स्टेंट पॉइंटर, जेनरिक पॉइंटर, नल पॉइंटर एंड सो ऑन। जस्ट इस केस में पॉइंटर का टाइप से डिस्कस कर रहा हूँ बेस्ड ऑन मेमोरी मॉडल्स। मेमोरी मॉडल्स के बेसिस पर जस्ट बात करें, अकॉर्डिंग टू मेमोरी मॉडल्स पॉइंटर्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर एंड ह्यूज पॉइंटर। अगर एग्जैक्टली पॉइंटर के टाइप्स की बात करें, पॉइंटर टोटल कितने टाइप्स के, नियर, फार एंड ह्यूज पॉइंटर्स। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंटर्स के केसेस में इनके साइज भी कैसे हैं डिफरेंट। मीन्स अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पॉइंटर का साइज ऑलवेज क्या रहता है, ऑलवेज 2 bytes, बट इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। मीन्स पॉइंटर का साइज क्या रहेगा, डिपेंड करेगा व्हाट इज द टाइप ऑफ पॉइंटर। जस्ट मैं सारे के सारे प्रॉपर्टी वन बाई वन डिस्कस करूंगा। वन मोर थिंग्स इस सेशन की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, हो सकता है स्टार्टिंग या बिगिनिंग में आपको सेशन कम्प्लीटली समझ में ना आए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक अगर वॉच करें देन मैं आपको 100% श्योरिटी प्रोवाइड करता हूँ, आपको 100% समझ आएगा। प्लस काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है आपके लिए। मीन्स प्रीवियस टॉपिक्स के रिस्पेक्ट में टॉपिक काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम अदर वन एग्जैक्टली। क्लियर? क्या इस केस में जस्ट मैं डिस्कशन प्रोवाइड करूँगा बेस्ड ऑन मेमोरी लेवल। क्लियर? मेमोरी लेवल्स के बेसिस पर आपको जब मैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो केसेस में कई सारे टर्म्स कैसे होंगे न्यू फॉर यू, इस कई सारे न्यू टर्म्स होंगे, इनको समझना आपके लिए इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा। जस्ट मैं एंड सेशन तक आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँ, देन आपके लिए ईजिली समझना पॉसिबल है। मीन्स फाइनली इस सेशन का कंक्लूजन प्रोवाइड होगा जस्ट लास्ट फ्यू मिनट्स। क्लियर? तब तक आपको मीन्स अपना थोड़ा सा कंसल्टेशन पे करना होगा। अगर मैं इंटरेस्टिंग की बात करूँ, मीन्स एक टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, प्लस मेमोरी लेवल का आपको एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करूँ। जनरली देखा जाए आप सर्च कर सकते हो, मीन्स इस लेवल का एक्सप्लेनेशन आपको किसी भी अदर ट्यूटोरियल में प्रोवाइड नहीं हुआ आई थिंक। क्लियर? मीन्स जस्ट किसी प्रोग्राम के रिस्पेक्ट में बात करें, जस्ट इस पर्टिकुलर टाइप पॉइंटर टाइप्स को सबसे पहले मैं पॉइंटर के टाइप्स का बेसिक आइडिया प्रोवाइड करूंगा, देन एक्सप्लेन करूंगा अबाउट रेसिडेंस मेमोरी। अगर आपको याद हो स्टार्टिंग के बेसिक्स जब मैंने सी के कवर किए थे, उस केस में आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट रेसिडेंस मेमोरी। देन अगेन मैं सेम कॉन्सेप्ट रिपीट करूंगा, प्लस इससे जस्ट पहले एक्सप्लेन करेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंटर। मीन्स या मैं रेसिडेंस मेमोरी डिस्कस कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ टाइप्स ऑफ पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर का डिवीजन किसके बेस पर हो रहा है, बेस्ड ऑन मेमोरी मॉडल्स। अगर आपको मेमोरी मॉडल्स ही क्लियर नहीं है, देन आपके लिए पॉइंटर का टाइप प्रॉपरली समझना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? प्लस इसके जस्ट बाद मैं आपको कई सारे इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी प्रोवाइड करूंगा। इस केस में कई सारे की टर्म्स यूज होंगे, लाइक ऑफसेट एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस और लाइक लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस एंड सो ऑन। क्लियर? मीन्स किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट बात करें, जब भी आप कोई वेरिएबल क्रिएट कर दे, अभी तक मैंने सिंपली वेरिएबल के लिए मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया था लाइक 100 और 200। क्लियर? 100 के रिस्पेक्ट मत करें, मीन्स इट इज नॉट अ कंप्लीट एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स। मीन्स जस्ट किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट मत करें, वेरिएबल का एड्रेस कंप्लीटली टू थिंग्स से मिलकर बनता है, सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस। मीन्स किसी वेरिएबल का कंप्लीट एड्रेस क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट। मीन्स इसके साथ सेगमेंट एड्रेस क्या है, ऑफसेट क्या है, इसको कैसे डिस्प्ले कराएंगे। मीन्स अगर किसी भी मीन्स अभी तक आपने किसी वेरिएबल का एड्रेस डिस्प्ले कराया था वाई यूजिंग लाइक दैट परसेंट यू एड्रेस ऑफ एक्स, यानी इस केस में ओनली कौन सा एड्रेस डिस्प्ले होता है, ओनली ऑफसेट एड्रेस। अगर किसी भी वेरिएबल का आपको अगर कंप्लीट एड्रेस डिस्प्ले कराना चाहते हो, तो कंप्लीट एड्रेस डिस्प्ले कराने के लिए यूज करोगे फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट कैपिटल एफ स्मॉल पी। सेम एड्रेस अगर आप परसेंट एफ पी के थ्रू डिस्प्ले करा देना, आपको क्या मिलेगा, कंप्लीट एड्रेस सेपरेटेड बाई कॉलन साइन। तो इस लेवल के मैं आपको कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर करने वाला हूँ, बस तो आपको ये वीडियो एंड तक वॉच करना है। इस हो सकता है अदर वीडियोस के कंपेरिजन थोड़ा लेंदी भी रहे। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट कैसे, मेमोरी लेवल्स आपको ऑलरेडी पता है क्या, इस पॉइंटर मीन्स नथिंग बट एड्रेसेस, और एड्रेसेस किसके रिस्पेक्ट में क्रिएट होते हैं, ऑलवेज रिस्पेक्ट टू मेमोरी। तो सबसे पहले मैं इनिशियली बात कर रहा हूँ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स आर अवेलेबल इन सी। बेस्ड ऑन मेमोरी मॉडल्स पॉइंटर्स आर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन नियर पॉइंटर, व्हाट इज द साइज ऑफ नियर पॉइंटर,
अगर आप नियर पॉइंटर यूज कर रहे हैं तो नियर पॉइंटर के लिए ऑलवेज एलोकेट होता है इट विल टेक्स टू बाइट्स। नियर पॉइंटर का साइज क्या है? ऑलवेज टू बाइट्स। वन मोर थिंग्स, इट इज अ डिफॉल्ट टाइप फॉर 16 बिट सी कंपाइलर। इस अगर आप 16 बिट सी कंपाइलर यूज कर रहे हो देन 16 बिट सी कंपाइलर में डिफॉल्ट टाइप क्या रहेगा? नियर पॉइंटर। डिफॉल्ट टाइप फॉर 16 बिट सी कंपाइलर, क्लियर एंड सो ऑन। मीन्स अभी तक मैंने पॉइंटर के रिस्पेक्ट में ना ही नियर पॉइंटर प्रोवाइड किया था, ना ही फार पॉइंटर प्रोवाइड किया था, ना ही यूज पॉइंटर। लेकिन आप यूज क्या कर रहे, मैंने सारे के सारे एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किए थे बेस्ड ऑन 16 बिट सी कंपाइलर। और 16 बिट सी कंपाइलर में बाय डिफॉल्ट पॉइंटर का टाइप क्या रहता है? ऑलवेज नियर पॉइंटर। इसलिए इसका साइज बाय डिफॉल्ट ऑलवेज आपको क्या मिला? ऑलवेज टू बाइट्स, क्लियर। वन मोर थिंग्स, मीन्स अगर आपको पॉइंटर डिक्लेरेशन जस्ट फॉलो क्या करते हैं, सम डेटा टाइप मे बी लाइक इंट स्टार। अभी तक पॉइंटर डिक्लेरेशन आपने इस सिंटैक्स को फॉलो करके प्रोवाइड किए थे। अगर आपको मैनुअली नियर पॉइंटर क्रिएट करना है तो यूज क्या कर सकते हैं? वन मोर सिंटैक्स, इंट नियर स्टार एफ पी टी आर। जिस टाइप से अगर इंट की बात करें तो इंट क्या है? कीवर्ड। सेम नियर क्या है? ऑल्सो कीवर्ड इन सी। डिफरेंट टाइप्स के पॉइंटर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल थ्री कीवर्ड्स हैं, बट इट इज नॉट अ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स, क्लियर। नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर, सॉरी नियर, फार और ह्यूज। सो इस केस में साइज क्या मीन्स? इस केस में दोनों ही केसेस में दोनों डिक्लेरेशन की मीनिंग कैसे हैं? एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ 16 बिट सी कंपाइलर। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नियर पॉइंटर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फार पॉइंटर, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ह्यूज पॉइंटर। इस तीनों ही पॉइंटर्स की मैं प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा जस्ट आफ्टर डिस्कसिंग रेसिडेंस मेमोरी। अभी जस्ट मैं सिंपल टर्म्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन, सेकेंड टाइप ऑफ पॉइंटर इज नथिंग बट इट इज अ फार पॉइंटर। फार पॉइंटर इट विल टेक्स 4 बाइट्स। मीन्स फार पॉइंटर का साइज क्या है? 4 बाइट्स। वन मोर थिंग्स, इन प्रीवियस केस में पॉइंटर का टाइप यूज किया था नियर पॉइंटर। नियर पॉइंटर कैन स्टोर ओनली ऑफसेट। मीन्स नियर पॉइंटर के थ्रू किसी भी वेरिएबल का ओनली ऑफसेट एड्रेस स्टोर कराना पॉसिबल, नॉट अ कंप्लीट एड्रेस, क्लियर। नेक्स्ट वन, सेकेंड केस, ऑफसेट जस्ट क्या है? जस्ट मैं अभी इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करूंगा, देन आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, फार पॉइंटर इट विल टेक्स 4 बाइट्स। इट विल टेक्स 4 बाइट्स। वन मोर थिंग्स, इट इज अ डिफॉल्ट टाइप ऑफ पॉइंटर्स। इन केस ऑफ 32 बिट सी कंपाइलर एंड 64 बिट सी कंपाइलर, 32 बिट एंड 64 बिट सी कंपाइलर, क्लियर। मीन्स अगर आप 16 बिट सी कंपाइलर यूज करें देन पॉइंटर का बाय डिफॉल्ट टाइप क्या होता है? नियर पॉइंटर। इसलिए पॉइंटर का साइज क्या रहता है? बाय डिफॉल्ट 2 बाइट्स। सिमिलरली अगर आप 32 बिट या 64 बिट सी कंपाइलर यूज कर रहे हैं, उसके साथ पॉइंटर का बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? ऑलवेज 4 पॉइंटर। 4 पॉइंटर का साइज क्या है? 4 बाइट्स। मीन्स अगर आपको 4 पॉइंटर मैनुअली डिक्लेयर करना है, यूज क्या करो? सिंपली इंट फार स्टार पी टी आर। मीन्स इस केस में पी टी आर के रिमेनिंग प्रॉपर्टी सेम रहेंगे। रिमेनिंग प्रॉपर्टी मीन्स पी टी आर का डेटा टाइप क्या है? इंट। इसलिए इसके अंदर अगेन एड्रेस किस टाइप का स्टोर होगा? इंटीजर टाइप का। लेकिन आप स्पेशली पी टी आर का साइज क्या रहेगा? 4 बाइट्स। और आपको इसका साइड डिस्प्ले कराना, सिंपली यूज क्या कर लोगे? प्रिंट एफ परसेंट डी साइज ऑफ पी टी आर। मीन साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके पॉइंटर का साइज चेक करना आपके लिए पॉसिबल है। इस प्रीवियस केसेस में पॉइंटर का साइज डिस्प्ले हुआ था 16 बिट कंपाइलर में 2 बाइट्स। अगर आप 16 बिट कंपाइलर में फार कीवर्ड का यूज करके पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे थे, इस केस में साइज कितना एलोकेट होगा? 4 बाइट्स। सेम एज नेक्स्ट वन, इट कैन स्टोर सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट एड्रेस। जनरली सेगमेंट एड्रेस की बात करें, सेगमेंट एड्रेस को स्टोर करने के लिए ऑलवेज स्पेस कितना रिक्वायर्ड होता है? 2 बाइट्स फॉर सेगमेंटेड एड्रेस एंड 2 बाइट्स फॉर ऑफसेट, क्लियर। देयरफॉर साइज ऑफ फार पॉइंटर इज 4 बाइट्स। लेकिन नियर पॉइंटर ऑनली क्या स्टोर करता है? ओनली ऑफसेट। और ऑफसेट का साइज क्या है? 2 बाइट्स। इसलिए नियर पॉइंटर का साइज क्या? ओनली 2 बाइट्स। फाइनली लास्ट टाइप ऑफ पॉइंटर, वन मोर थिंग्स, इसे पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स जनरली सभी सी कंपाइलर रिप्रेजेंट नहीं करते, या सभी सी कंपाइलर में इनको यूज करना पॉसिबल नहीं। मीन्स डिपेंड करेगा कंपाइलर टू कंपाइलर्स, इससे इनका बिहेवियर कैसा? कंपाइलर डिपेंडेंट। थर्ड केस, ह्यूज पॉइंटर। ह्यूज अगेन क्या? कीवर्ड
size of huge pointer is also 4 bytes. मीन्स ह्यूज पॉइंटर के और फार पॉइंटर के प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट कैसे हैं, सेम। लेकिन ह्यूज मीन्स डिफॉल्ट टाइप क्या रहता है, 32.64 में फार पॉइंटर। अगर आपको ह्यूज पॉइंटर डिक्लेयर करना देन मैन्युअली आप सिंटेक्स फॉलो करोगे, मे बी एनी डेटा टाइप देन फाइनली कीवर्ड एज ह्यूज स्टार पॉइंटर नेम। क्लियर। अगेन इसके अंदर स्टोर क्या होता है, इट कैन स्टोर सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट एड्रेस। क्यों, इसका साइज क्या है, 4 बाइट्स, 2 bytes for segment address and 2 bytes for offset address. मैं सभी जस्ट मैंने बेसिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड किए अबाउट पॉइंटर्स, देन जस्ट इस मेमोरी मॉडल को डिस्कस करने के बाद फाइनली मैं डिस्कस करूंगा द एग्जैक्ट डिफरेंस बिटवीन नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर और ह्यूज पॉइंटर प्रैक्टिकली बाय यूजिंग एग्जांपल्स। क्लियर। अभी मैंने जस्ट थियोरेटिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया है, पहले आप इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट वन, अब मैं जस्ट बात कर रहा हूँ रेसिडेंस मेमोरी। जब भी आप किसी भी सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, सी प्रोग्राम या किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलवेज 1 MB स्पेस मैनेज करता है, प्लस इस 1 MB स्पेस को नेम दिया जाता है एज अ रेसिडेंस मेमोरी। क्लियर। इससे किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस प्लेस पर होता है, इनसाइड रैम। रैम के अंदर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए सेपरेट लॉजिकल प्लेस मैनेज होता है कॉल्ड एज रेसिडेंस मेमोरी। व्हाट इज द साइज ऑफ रेसिडेंस मेमोरीज, मीन्स रेसिडेंस मेमोरी का साइज क्या है, ऑलवेज 1 MB और 1 MB। क्लियर। प्लस रेसिडेंस मेमोरी 16 इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड होता है, मीन्स रेसिडेंस मेमोरी का साइज क्या है, 1 MB। लेकिन इसके अंदर टोटल सेगमेंट्स कितने मैनेज हो रहे हैं, इस रेसिडेंस मेमोरी इंटरनली डिवाइडेड इंटू 16 इक्वल सेगमेंट्स। देन व्हाट इज द साइज ऑफ 1 segment, मीन्स इन सेगमेंट्स को लॉजिकली नेम असाइन किया जाता है, लॉजिकल एड्रेस। मीन्स इस केस में जस्ट मैं प्रोवाइड क्या कर रहा हूँ, सेगमेंट एड्रेस। टोटल सेगमेंट्स कितने, 16 segments, सभी सेगमेंट्स का यूनिक एड्रेस होता है 0, segment 1, segment 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नेक्स्ट वन, सेगमेंट ए बी सी डी ई और एफ, लाइक हेक्साडेसिमल वैल्यू। दिस इज द सेगमेंट एड्रेस इनसाइड रेसिडेंस मेमोरी। क्लियर। अगेन रेसिडेंस मेमोरी का साइज क्या है, 1 MB, प्लस 1 MB स्पेस कितने सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, 16 इक्वल सेगमेंट्स, प्लस सभी सेगमेंट्स का यूनिक नेम है फ्रॉम 0 to 9 एंड ए टू F। क्लियर। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द साइज ऑफ सिंगल सेगमेंट, या अगर एक सिंगल सेगमेंट की बात करें, टोटल साइज क्या है इस रेसिडेंस मेमोरी का, 1 MB। अगर इसको किलोबाइट्स में डिवाइड करें, इक्विवेलेंट किलोबाइट्स कितने, 1024 KB। अगर इसको सेगमेंट्स में डिवाइड करोगे, टोटल सेगमेंट्स कितने, 16, तो एक सिंगल सेगमेंट का साइज क्या रहेगा, 1024 डिवाइडेड बाई 16। देन सिंगल सेगमेंट मीन्स 1 सिंगल सेगमेंट का साइज क्या है इस केस में, 64 KB। दिस इज द साइज ऑफ ईच सेगमेंट। एक सिंगल सेगमेंट का साइज क्या है रेसिडेंस के अंदर, 64 KB। 64 KB को अगर आप बाइट्स में डिवाइड करोगे, 64 KB इक्वल, इसके इसमें टोटल इक्वल बाइट्स कितने होंगे, अगर आप बाइट्स में डिवाइड करोगे, सिंपली इसमें मल्टीप्लिकेशन किससे कराना होगा, बाइट्स में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 1024 इज इक्वलेंट टू 65536 bytes। मीन्स एक सिंगल सेगमेंट के अंदर टोटल कितने बाइट्स हैं, 65536 bytes। क्लियर। मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज द साइज ऑफ ईच सेगमेंट, 65536 bytes। नेक्स्ट वन, इसके साथ जितने भी सेगमेंट्स होंगे, सभी सेगमेंट्स को असाइन किया हो बाइट एड्रेस, तो टोटल बाइट्स कितने, दैट वन। अगर आपके पास 10 bytes हैं और 10 bytes के लिए अगर एड्रेसिंग पास करना है, एड्रेसिंग असाइन करना, तो फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या रहेगा, 0, नेक्स्ट बाइट का 1, नेक्स्ट बाइट का 2, लास्ट बाइट का एड्रेस क्या रहेगा, 9। सेम है टोटल बाइट्स कितने, 65536, फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या रहेगा, 0, नेक्स्ट बाइट का 1, 2, लास्ट बाइट का एड्रेस क्या हुआ इसके अकॉर्डिंग, 65535। क्लियर। मीन्स इस सेगमेंट का साइज क्या है, 0 सेगमेंट का साइज क्या है, 65536 bytes। उस केस में जितने भी बाइट्स हैं, अगर आप सभी बाइट्स को एड्रेस असाइन करोगे, एड्रेस क्या हुआ, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कोई मिडिल लोकेशन होगा जिसका एड्रेस क्या रहा होगा, समथिंग 100, देन लास्ट बाइट का एड्रेस क्या हुआ, 65536
35, क्लियर। सेम है अगर सेगमेंट वन की बात करें, सेगमेंट वन के अंदर भी सेम एड्रेस होंगे, डिफरेंट एड्रेस, सेम एड्रेस 0, 1, 2 एंड सो प्लस मिडिल बाइट्स। फाइनली अगेन लास्ट बाइट का एड्रेस क्या होगा, 65536 मीन्स सभी सेगमेंट के अंदर सेम एड्रेसिंग साइन हो रहा है, डिफरेंट एड्रेस, सेम एड्रेस। जनरली आपको क्या लग जाता है, जितने भी बाइट्स होते हैं सभी बाइट का एड्रेस कैसा होता है, ऑलवेज यूनिक। लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको क्या लग रहा है, इस जीरो एड्रेस सेगमेंट जीरो में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वन के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है और रिमेनिंग ऑल सेगमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। मीन्स किसी भी सेगमेंट को, सॉरी किसी भी बाइट को या लोकेशन को लॉजिकली और कंप्लीटली यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट। मीन्स इस केस में 0 to F क्या है, सेगमेंट एड्रेस, दिस इज द सेगमेंट और सेगमेंट एड्रेस, मीन्स सेगमेंट 0, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2। देन 0 to 65535 क्या है, ऑफसेट एड्रेस। इस पर्टिकुलर एड्रेस को नेम दोगे आप एज अ ऑफसेट एड्रेस, मीन्स सेगमेंट एड्रेस एज एंड ऑफसेट एड्रेस। मीन्स किसी भी लोकेशन को यूनिकली किसके बेस पर आइडेंटिफाई करें, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस, क्लियर। सेगमेंट एड्रेस के साइज की बात करें, सेगमेंट एड्रेस के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होते हैं, 2 bytes, क्लियर। लॉजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग, जस्ट लॉजिकल एड्रेस क्या रहता है, लॉजिकल एड्रेस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस, क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर एड्रेस 100 की बात करें तो 100 केवल एक ही सेगमेंट के अंदर, सभी सेगमेंट में कॉमन है, सभी सेगमेंट में कॉमन है। अगर किसी सपोज दैट अगर किसी बाइट का ऑफसेट एड्रेस 100 है, देन ये यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करो, क्योंकि 100 तो सभी ब्लॉक्स में है। मीन्स इसका भी एड्रेस क्या है, ऑल्सो 100, नेक्स्ट का भी एड्रेस क्या है, ऑल्सो 100, लेकिन यूनिकली किसके बेस पर आइडेंटिफाई, बेस्ड ऑन सेगमेंट एड्रेस 0, 100। मीन्स इसका कंप्लीट एड्रेस क्या है, 0 सेगमेंट 100 ऑफसेट। सेकेंड केस में सेगमेंट क्या है, 1, 2, इस केस में यूनिकली किसके बेस पर आइडेंटिफाई करेंगे। मीन्स अगर आप इस कॉम्बिनेशन को कॉन्सेंट्रेट करोगे, इस कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन कैसा है, यूनिक और रिपीटेड, यूनिक कॉम्बिनेशन। इसलिए बाइट एड्रेस कंसीडर होता है ऑलवेज यूनिक एड्रेस। यहाँ तक का कहानी आपको क्लियर है। नेक्स्ट वन, फाइनली अब मैं बात कर रहा हूँ, मीन्स इस पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर आपको ओनली कंसल्टेट करना ओनली स्पेशली 8th सेगमेंट। इस 8th सेगमेंट को एग्जैक्टली नेम दिया जाता है एज अ डेटा सेगमेंट। जैसे 8th सेगमेंट इज नथिंग बट इट इज अ डेटा सेगमेंट, क्लियर। मीन्स आपको कंसल्टेट क्या करना है, रेसिडेंस के अंदर ओनली 8th सेगमेंट। 8th सेगमेंट क्या है, डेटा सेगमेंट। देन 8th सेगमेंट अगेन 4 different एरियाज में डिवाइड होता है। इसके अंदर अगर एड्रेसिंग की बात करें, अगेन फर्स्ट वाइट का एड्रेस क्या रहा होगा, समथिंग 0, 1, 2 लाइक दैट। लास्ट वाइट का एड्रेस क्या रहेगा, अगेन 65535। मीन्स डेटा सेगमेंट अगेन डिवाइडेड इनटू 4 sessions प्लस इन 4 sessions का साइज इक्वल नहीं हुआ, इट इज एडजस्टेबल साइज, क्लियर है। इसे कोई फिक्स साइज नहीं। फर्स्ट मीन्स डेटा सेगमेंट के अंदर फर्स्ट सेशन को नेम दिया जाता है एज अ डेटा एरिया, इसको नेम क्या देंगे, एज अ डेटा एरिया। सेकेंड सेशन का नेम क्या है, जस्ट हीप एरिया, दिस इज नथिंग बट हीप एरिया। थर्ड सेशन इज नथिंग बट इट इज अ सिंपली मेथड एरिया। इस ऑलरेडी आप कहीं ना कहीं एरियाज को आप यूज कर चुके हो। फाइनली लास्ट सेशन का नेम क्या है, नथिंग बट स्टैक एरिया, क्लियर। इस फाइनली लॉजिकली एरिया इस टाइप से रैम मेमोरी के अंदर क्रिएट होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि स्टैक डायरेक्टली क्रिएट होता है, स्टैक इज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंस मेमोरी। हीप एरिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेसिडेंस मेमोरी। डेटा एरिया एंड मेथड एरिया ऑल्सो पार्ट ऑफ रेसिडेंस मेमोरी। लेकिन रेसिडेंस मेमोरी के अंदर ये किस सेगमेंट के पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ डेटा सेगमेंट और कॉल्ड एज 8th सेगमेंट, क्लियर। नेक्स्ट इनके साइज क्या होंगे, साइज कैसे हैं, एडजस्टेबल, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इनके साइज इंक्रीज डिक्रीज होते रहेंगे। नेक्स्ट, आपको ऑलरेडी पता है डेटा एरिया के अंदर एलोकेशन किसके लिए होता है, ऑनली स्टैटिक वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड डेटा एरिया। ऑल डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस आर परफॉर्म्ड इनसाइड हीप एरिया। एग्जीक्यूटेबल कोड ऑफ मेथड्स विल बी स्टोर्ड इनसाइड मेथड एरिया। देन फाइनली ऑटो और लोकल वेरिएबल्स, ऑटो और सिंपली वी कैन से लोकल, बाय डिफॉल्ट लोकल वेरिएबल्स का डिफॉल्ट स्टोरेज क्लास कह रहा था, ऑल्सो ऑटो वेरिएबल्स, ऑल ऑटो वेरिएबल्स आर क्रिएटेड इनसाइड स्टैक एरिया। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंस मेमोरी, क्लियर। इस रेसिडेंस मेमोरी के अंदर 8th सेगमेंट फाइनली कितने सेशन में डिवाइडेड है,
फोर डिफरेंट सेशन, डेटा मीन सिक्वेंस इनका सेम रहेगा, सबसे पहले डेटा एरिया, देन हीप एरिया, देन मेथड एरिया और स्टैक एरिया। अगर आप इस पर्टिकुलर केस में अगर आप स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट करते हो, स्टैटिक वेरिएबल का एड्रेस ऑलवेज कैसा रहेगा, लेस देन हीप एरिया और मेथड एरिया और स्टैक एरिया। स्टैक का साइज, स्टैक का मेमोरी एड्रेस ऑलवेज रिमेनिंग टाइप से ऑलवेज ग्रेटर होगा। क्लियर, ये सब कुछ मैं एग्जांपल्स के थ्रू नेक्स्ट सेशन में प्रोवाइड करूंगा, आपकी प्रैक्टिकली टेस्ट करना पॉसिबल है। नेक्स्ट फाइनली मैं बात कर रहा हूँ अबाउट लॉजिकल एड्रेस और वेरिएबल एड्रेस। किसी भी वेरिएबल के अगर एक्चुअल एड्रेस की बात करें तो किसी भी वेरिएबल का एक्चुअल एड्रेस क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पर्टिकुलर केस में कोई लोकेशन है लाइक दैट प्लेस, इसका ऑफसेट क्या है 100, ये लोकेशन वेरिएबल एक्स को असाइन हो चुका है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कितने एड्रेस इन्वॉल्व हो रहे हैं, टू एड्रेस, सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस। फाइनली किसी भी वेरिएबल का एड्रेस मैंने किस फॉर्म होता है, सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट एड्रेस। क्लियर, नेक्स्ट वन। अब मैं फाइनली आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम के बेसिस पर एक्सप्लेन करूंगा डिफरेंस बिटवीन नियर पॉइंटर, फार पॉइंटर एंड ह्यूज पॉइंटर्स रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट। वन मोर थिंग्स, बाय डिफॉल्ट जब भी आप किसी पॉइंटर को क्रिएट करते हो लाइक और किसी भी वेरिएबल को क्रिएट कर दो और एनी पॉइंटर मीन्स डिफॉल्ट टाइप क्या पॉइंटर कहते हैं, नियर पॉइंटर। नियर पॉइंटर बाय डिफॉल्ट रिप्रेजेंट किसको करता है, डेटा सेगमेंट, मीन्स नियर पॉइंटर के थ्रू ओनली डेटा सेगमेंट एक्सेस करना पॉसिबल। प्लस बिकॉज ये फिक्स्ड है, नियर पॉइंटर ओनली स्टोर क्या करता है, ऑफसेट, बिकॉज इसके लिए सेगमेंट एड्रेस ऑलरेडी फिक्स्ड है। मीन्स नियर पॉइंटर बाय डिफॉल्ट वर्क किसके लिए करेगा, एट्थ सेगमेंट के लिए, मीन्स नियर पॉइंटर के थ्रू ओनली एट्थ सेगमेंट और डेटा सेगमेंट रिप्रेजेंट करना पॉसिबल। प्लस नियर पॉइंटर इटसेल्फ स्टोर क्या करता है, ओनली ऑफसेट एड्रेस। क्लियर, नेक्स्ट वन फार पॉइंटर। फार पॉइंटर की बात करें, फार पॉइंटर के अंदर मीन्स फर्स्ट केस, नियर पॉइंटर के अंदर स्टोर क्या कर सकते हो, ओनली एड्रेस ऑफ डेटा सेगमेंट। फार पॉइंटर के अंदर किसी भी सेगमेंट का एड्रेस स्टोर करना पॉसिबल, नॉट ओनली डेटा सेगमेंट। नियर फार पॉइंटर कैन पॉइंट एनी सेगमेंट, लेकिन फार पॉइंटर का भी लिमिटेशन क्या है, फार पॉइंटर के थ्रू ओनली सिंगल सेगमेंट एक्सेस करना पॉसिबल है। इस केस में दोनों ही पॉइंटर क्लियर रखना, मीन्स नियर पॉइंटर कैन पॉइंट ओनली एट्थ सेगमेंट। क्लियर, ओनली एट्थ सेगमेंट, जबकि फार पॉइंटर की बात करें, फार पॉइंटर के थ्रू कोई भी सेगमेंट पॉइंट कराना पॉसिबल है, फार पॉइंटर के अंदर किसी भी सेगमेंट को एक्सेस करना पॉसिबल है। लेकिन अगर आपने एक बार अगर फार पॉइंटर के अंदर सिक्स्थ सेगमेंट असाइन किया, देन ये होल टाइम पॉइंट किसको करेगा, ओनली सिक्स्थ सेगमेंट और ऑफसेट ऑफ सिक्स्थ सेगमेंट ओनली। देन अगर आपने फार पॉइंटर के अंदर एट्थ सेगमेंट का एड्रेस असाइन किया, देन होल टाइम पॉइंट किसको करेगा, ओनली एट्थ सेगमेंट, जबकि नियर पॉइंटर के लिए फिक्स्ड है ऑलवेज 8th सेगमेंट। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ ह्यूज पॉइंटर। ह्यूज पॉइंटर के थ्रू किसी भी सेगमेंट को पॉइंट कराना पॉसिबल है, एनी सेगमेंट और ह्यूज रेसिडेंस मेमोरी, होल रेसिडेंस मेमोरी। ह्यूज पॉइंटर कैन एक्सेस होल रेसिडेंस मेमोरी। क्लियर, नेक्स्ट वन। अब जस्ट इन डिफरेंट पॉइंटर्स को मैं जस्ट एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर रहा हूँ। व्हाट इज द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस, मीन्स आपके लिए एक और टर्म है इस केस में। फाइनली किसी भी वेरिएबल की अगर लॉजिकल एड्रेस की बात करें, व्हाट इज द लॉजिकल एड्रेस ऑफ एनी वेरिएबल, लॉजिकल एड्रेस इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट एड्रेस एंड ऑफसेट एड्रेस, सेगमेंट एज वेल एज ऑफसेट एड्रेस। अगेन मैं बोल रहा हूँ आपको, हो सकता है मिडिल में आपके कॉन्सेप्ट समझ ना आ रहे हो, जस्ट मैं लास्ट फ्यू मिनट एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जांपल्स, देन आपको पूरा का पूरा स्टोरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मीन्स लॉजिकल एड्रेस इज नथिंग बट इट इज अ कॉम्बिनेशन और कलेक्शन ऑफ सेगमेंट एड्रेस एज वेल एज ऑफसेट एड्रेस। नेक्स्ट वन, पॉइंटर्स के केसेस में रियल जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, सारे के सारे ऑपरेशन फिजिकल एड्रेसेस के बेसिस पर परफॉर्म होते, बेस्ड ऑन फिजिकल एड्रेस। देन व्हाट इज द, अगर किसी भी वेरिएबल का फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करना है, फिजिकल एड्रेस ओनली लॉजिकल एड्रेस से कैलकुलेट करना पॉसिबल है। व्हाट इज द साइज ऑफ लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस का साइज क्या है, 2x4 सेगमेंट एड्रेस एंड 2x4 ऑफसेट एड्रेस, तो इसका टोटल साइज क्या हुआ, 4 bytes, और वी कैन से 4 bytes के अंदर टोटल बिट्स कितने होंगे, 32-bit एड्रेस। क्लियर, नेक्स्ट वन, फिजिकल एड्रेस की बात करें, फिजिकल एड्रेस का जस्ट कॉन्सेप्ट क्या रहता है, फिजिकल एड्रेस आप लॉजिकल एड्रेस से कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करने का जस्ट फॉर्मूला क्या है, सेगमेंट एड्रेस
इसे सेगमेंटेड डैश को मैं कंसीडर कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल वैल्यू, इन द फॉर्म ऑफ, सपोज दैट अगर ये सेगमेंटेड डैश आपके पास हेक्साडेसिमल फॉर्म में अवेलेबल है, इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, सेगमेंट एड्रेस को जस्ट मल्टीप्लाई कैसे करें, मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस ऑफसेट, प्लस ऑफसेट एड्रेस। इस फॉर्मूला के थ्रू जो भी न्यू एड्रेस जनरेट होगा, इस न्यू एड्रेस को आप नेम दोगे फिजिकल एड्रेस। पॉइंटर के अंदर सारे के सारे इंटरनल और मेमोरी लेवल ऑपरेशंस परफॉर्म किसके बेस पर, बेस्ड ऑन फिजिकल एड्रेस ओनली। व्हाट इज द साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस, जस्ट मैंने प्रीवियस केस में जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था अबाउट रेसिडेंस मेमोरी। तो रेसिडेंस मेमोरी में जस्ट टू टाइप्स के एड्रेसेस इन्वॉल्व थे, सेगमेंट एड्रेस और ऑफसेट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस की बात करें, सेगमेंट का रेंज क्या था, फ्रॉम 0 to 9 एंड 8 to F। अगर आपको इस रेंज का वैल्यू स्टोर कराना है तो इसके साथ मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एफ। एफ इज नथिंग बट इट इज 15। व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 15, 15 का बाइनरी क्या होता है, 4 times 1। देन सेगमेंट की बात करें तो सेगमेंट एक्चुअल सेगमेंट एड्रेस का साइज क्या रहता है, ऑलवेज 4 bit। क्लियर। देन व्हाट इज द साइज ऑफ ऑफसेट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस का रेंज क्या था, 0 to 65535। अगर आप इसे मैक्सिमम वैल्यू का, अगर आप बाइट कोड नहीं, सॉरी बाइनरी नंबर कैलकुलेट करोगे, देन इसका बाइनरी नंबर क्या आएगा, 16 times 1। क्या आएगा, 16 times 1। ऑलरेडी आपने देखा होगा व्हाट इज द बाइनरी नंबर ऑफ 65535, मीन 16 times 1। तो इसके साथ टोटल बाइट्स, टोटल साइज क्या हुआ इसका, 4 bit प्लस 16 bit। व्हाट इज द टोटल साइज, टोटल साइज इज 20 bit। मीन्स जब आप फाइनली किसी भी एड्रेस के लिए आप फिजिकल एड्रेस कैलकुलेट करोगे, फिजिकल एड्रेस के अंदर सेगमेंट एड्रेस कितने बिट्स लेगा, 4 bits, ऑफसेट कितने बिट्स लेगा, 16 bits। तो टोटल साइज क्या हुआ इसका, एग्जैक्टली 20 bits। दिस इज द एक्चुअल साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस। जस्ट मैं सब कुछ प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स और प्रोग्राम्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करूँ, इसलिए आपको बोल रहा हूँ। अगर आप इस सेशन को एंड तक वॉच करो देन आपके लिए क्लियरली समझना पॉसिबल है। जस्ट मैं आपको कंप्लीट क्या कर रहा हूँ, बेसिक की पॉइंट्स, जिससे आपके लिए फाइनल एग्जाम्पल्स इजिली समझना पॉसिबल हो। नेक्स्ट वन, जस्ट मैंने प्रीवियस केस में डायग्राम एक्सप्लेन किया था, सबसे पहले बॉटम टू अप, सबसे पहले फर्स्ट सेगमेंट क्या था, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेम सेगमेंट या सेम डायग्राम जस्ट मैं हॉरिजॉन्टली क्रिएट कर रहा हूँ, जस्ट एक्सप्लेनिंग टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। इस आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, ओनली डेटा सेगमेंट। और डेटा सेगमेंट कौन सा सेगमेंट था, 8th सेगमेंट ऑफ रेसिडेंस मेमोरी। मीन्स इस पर्टिकुलर केस को, इस मिडिल लोकेशन को कंसीडर करा जाए 8th सेगमेंट। नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा हुआ, 9th। प्रीवियस सेगमेंट्स कौन सा रहेगा, समथिंग 7 एंड सो ऑन, 0 to 9। एंड फाइनली नेक्स्ट सेगमेंट क्या रहा हुआ, समथिंग 8 to F। मीन सेम डायग्राम मैंने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्रिएट किया है, जस्ट एक्सप्लेनिंग टाइप्स ऑफ पॉइंटर्स। इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या रहा हुआ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फर्स्ट बाइट का एड्रेस क्या है, 0 1 2। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ लास्ट बाइट, 65535। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ प्रीवियस बाइट्स, 65534। व्हाट इज द एड्रेस ऑफ, इन दैट केस अगेन इस केस में क्या रहेगा, सेम कॉन्सेप्ट, 0 1। एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ लास्ट बाइट, 65535। लेकिन 65535 किस सेगमेंट का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ 7th सेगमेंट। लेकिन आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, 8th सेगमेंट। नेक्स्ट वन अगेन, इस केस में नेक्स्ट बाइट का ऑफसेट एड्रेस क्या रहा होगा, 0 1 एंड सो ऑन। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट वन, अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में बात करें, बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई पॉइंटर क्रिएट करते हो, इस केस में जब सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ नियर पॉइंटर, देन इसको कंपेयर करूंगा विद ह्यूज पॉइंटर एंड फार पॉइंटर, एंड फाइनली आपके लिए समझना पॉसिबल हुआ। जस्ट फ्यू मिनट्स बचे हुए हैं इसके लिए। मैंने सिंपली कोई पॉइंटर क्रिएट किया, बाय डिफॉल्ट भी पॉइंटर का टाइप क्या, 16 bit कंपाइलर्स के अकॉर्डिंग 2 bytes। प्लस अगर आपको मैनुअली आपको नियर पॉइंटर डिफाइन करना, जस्ट कीवर्ड यूज करोगे डेटा टाइप देन नियर देन स्टार PTR और सिंपली पी। मैंने पॉइंटर क्रिएट किया पी। अगर पी में मैं जस्ट एड्रेस असाइन कराता हूँ एज अ 100, देन ये 100 लॉजिकली कंसिडर क्या हुआ, इंटीजर वैल्यू। और वैल्यू डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल नहीं, इसलिए वैल्यूज को असाइन करने के लिए रिक्वायर्ड क्या हुआ, टाइप कास्टिंग। मीन्स सिंपली 100 क्या है, वैल्यू
लेकिन 100 को ही ऐसा लोकेशन भी रहा हुआ जिसको मिस सम मिडिल लोकेशन, जिसका एड्रेस क्या रहा हुआ समथिंग 100, तो इस केस में रिक्वायर्ड क्या होगा टाइप कास्टिंग। फाइनली मींस इस टाइप से वैल्यूज को पॉइंटर में डायरेक्टली असाइन करना पॉसिबल, लेकिन टाइप कास्टिंग के थ्रू असाइन करना पॉसिबल। मींस जस्ट मैं टाइप कास्टिंग का यूज करके क्रिएट क्या कर रहा हूँ सम मेमोरी एड्रेस, इंट पॉइंटर का टाइप क्या फार स्टार, देन असाइन किया मैंने एज अ 100 लाइक दैट। 100 को राइट डाउन करने के अदर वे कितने हैं, अगर मैं राइट डाउन करता हूँ जीरो से स्टार्ट करता हूँ सेम 100 कंसिडर क्या हुआ एज अ ऑक्टल वैल्यू, ऑक्टल की केस में सेम वैल्यू को राइट डाउन कर सकते हैं एज अ 0144। सेम एज हेक्सा डेसिमल में राइट डाउन करना देन यूज कर रहे हैं 0x और इक्विवेलेंट हेक्सा डेसिमल वैल्यू क्या रहेगा 64। देन फाइनली इस केस में राइट डाउन क्या कर सकते हैं एज अ 0x64। जस्ट मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था किसी भी पॉइंटर के केस में टोटल एड्रेस क्या होते हैं, ऑफसेट एड्रेस सिगमेंट एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस के अकॉर्डिंग ऑफसेट का साइज क्या रहता है ऑलवेज 2 bytes, मीन्स साइज ऑफ मीन्स किसी भी एड्रेसिंग के रिस्पेक्ट मत करें, वेरिएबल के रिस्पेक्ट मत करें, तो वेरिएबल के लिए जस्ट एड्रेस कितने क्रिएट होंगे ऑफसेट है सॉरी सिगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेस, सिगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेस। मेमोरी के अंदर सिगमेंट एड्रेस के लिए भी साइज क्या रहता है इसका, इट विल टेक्स 2 bytes, 2 bytes means 16 bits, 16 bits के अंदर hexadecimal के कितने pairs create होंगे 4 bit pairs, again 4 bit pairs, again 4 bit pairs, उनमें से एक सिंगल निबल का साइज क्या रहता है 4 bit, तो टोटल कितने निबल क्रिएट हो रहे हैं इसके इसमें 4 nibbles। सेम है ऑफसेट का भी साइज क्या है ऑल्सो 2 bytes, क्लियर ऑल्सो 2 bytes मीन्स अगेन इक्वलेंट टू 16 bits। तो इसके अंदर हेक्साडेसिमल के भी अगेन कितने निबल्स क्रिएट करना पॉसिबल है 4, एक सिंगल निबल का साइज क्या रहता है 4 bit, देन अगेन 4 bit मीन्स दिस इज द फर्स्ट बाइट दिस इज द सेकेंड बाइट, टोटल बिट्स कितने हो गए 16 bits। टोटल में हेक्साडेसिमल के कितने डिजिट्स क्रिएट हो रहे हैं 8 digits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मीन्स फाइनली इस लॉजिकल एड्रेस के थ्रू मीन्स अगर आपको लॉजिकल एड्रेस मैनुअली कंप्लीट लॉजिकल एड्रेस क्रिएट करना है, जैसे मैंने इस केस में 100 असाइन किया तो 100 अपने आप में क्या कंप्लीट एड्रेस है क्या नहीं, अगर आपको कंप्लीट एड्रेस असाइन करना है तो हेक्साडेसिमल के कितने डिजिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है 8 digits, इसमें से बिगिनिंग 4 digits क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सिगमेंट एड्रेस और नेक्स्ट 4 digits क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस केस में ऑफसेट एड्रेस। तो फाइनली इस केस में अगर मैं सिगमेंट एड्रेस असाइन करना चाहता हूँ, मीन्स अगर मुझे 8th सेगमेंट असाइन करना तो यूज क्या करें 8, तो रिमेनिंग निबल्स कंसिडर करो एज अ 0 0, क्लियर। देन अगेन मुझे ऑफसेट असाइन कराना है 65535 और 65534, 65535 मीन्स 65535 का बाइनरी नंबर क्या है, जस्ट मैंने भी आपको बोला था 16 times 1, दिस इज द बाइनरी नंबर ऑफ 65535, तो इससे रिप्रेजेंट क्या होगा 15, 4 बिट से क्या रिप्रेजेंट होगा 15 इज नथिंग बट एफ, इससे भी क्या रिप्रेजेंट होगा ऑल्सो एफ, दिस इज द कंप्लीट एड्रेस, लेकिन इसे एड्रेस से ऑफसेट क्या रिप्रेजेंट हो रहा है 65535। तो अगर ये एड्रेस मुझे मैनुअली असाइन कराना है इस केस में पॉइंटर का टाइप में जस्ट यूज कराया जाए कैरेक्टर पॉइंटर, क्योंकि कैरेक्टर पॉइंटर में इंक्रीमेंट कितने से होता है जस्ट 1 से, इससे आपके लिए एग्जाम्पल इजीली समझना पॉसिबल हो। इस केस में जस्ट मैं असाइन कर रहा हूँ एड्रेस ऑफ दिस प्लेस, इस प्लेस के केस में जैसे प्लेस की बात करें इस प्लेस के अंदर ऑफसेट क्या है 8, इससे जस्ट पहले 0 कितने इंसर्ट कराएंगे कंप्लीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 4, मीन्स बिगिनिंग 4 मीन्स 0x से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है जस्ट फॉर्मेट, ये एड्रेस किस फॉर्म में हेक्साडेसिमल। टाइप कास्टिंग किस लिए यूज किया है, जनरली बाय डिफॉल्ट कंसीडर होगा एज अ इंटीजर वैल्यू, लेकिन टाइप कास्टिंग के अकॉर्डिंग कंसीडर होगा एज अ एड्रेस। देन ऑफसेट, अगर मुझे लास्ट बाइट का एड्रेस असाइन कराना है 65535, तो 65535 को जस्ट मैं 0x के अकॉर्डिंग हेक्साडेसिमल में प्रोवाइड करूँ, इसलिए यूज क्या करें 4 times f, दिस इज द कंप्लीट एड्रेस इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशंस, क्लियर। सिमिलरली इस केस में मैंने एक और पॉइंटर क्रिएट किया एज कैर नियर स्टार, काफी इंटरेस्टिंग केस आपके लिए। नेक्स्ट पॉइंटर का नेम क्या है क्यू, अगेन क्यू के केस में मैं सेम एड्रेस खुद से मैनुअली क्रिएट करके संक्रमित से टाइप कास्टिंग क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये एड्रेस मैनुअली खुद से जनरेट कराया है जिससे आपके लिए कंपेरिजन टेस्ट करना पॉसिबल हो। देन अगेन टाइप कास्टिंग इंटू इंट फार स्टार नेक्स्ट वन, लेकिन क्यू के अंदर मैं असाइन क्या करना चाहता हूँ
एड्रेस ऑफ दैट प्लेस मीन सेवेंथ सेगमेंट का एड्रेस, क्यू किस सेगमेंट को पॉइंट करा है एट्थ सेगमेंट के लास्ट बाइट को, लेकिन सॉरी पी किसको पॉइंट करा है एट्थ सेगमेंट के लास्ट बाइट को, क्योंकि बिगिनिंग फोर बिट्स क्या रिप्रेजेंट करा है सेगमेंट और नेक्स्ट फोर डिजिट्स क्या रिप्रेजेंट करा है ऑफसेट। सेम इस केस में सेवेंथ सेगमेंट असाइन करना चाहता हूं, इस केस में यूज क्या करेंगे 0x007। नेक्स्ट वन ऑफसेट मीन्स बात करना था अगेन क्या 65535, 65535 मीन्स सेम बाइनरी नंबर, मीन्स इस बाइट का एड्रेस किसके पास मैंने पास किया पी के पास और इस बाइट का एड्रेस किसके पास है क्यू के पास। क्लियर, अब चेक करते हैं इस पर्टिकुलर केस में, जस्ट मैं कंपैरिजन परफॉर्मेंस जस्ट आपको एक्सप्लेन क्या करना चाहता हूं इस केस में, मीन्स जब भी आप कोई पॉइंटर क्रिएट करते हो पॉइंटर ऑलवेज हमेशा रियल फिजिकल एड्रेस के बेसिस पर वर्क करता है, क्लियर, ना कि लॉजिकल एड्रेस। देन मैंने सिंपली राइट डाउन किया प्रिंट एफ परसेंट डी, इस केस में कंपेरिजन परफॉर्म करा रहा हूं इन टू पी इक्वल इक्वल क्यू। इस फाइनल एग्जाम्पल्स के थ्रू आपके लिए होल कॉन्सेप्ट इजीली समझना पॉसिबल है। अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ नियर पॉइंटर, यहाँ मैंने मिस्टेक किया है एड्रेस नियर पॉइंटर में असाइन कर रहा है, इसलिए टाइप कास्टिंग किसमें होगा इंट नियर स्टार, इंट नियर स्टार। क्लियर, फाइनल इस केस में पॉइंटर वेरिएबल्स कितने क्रिएट हुए टू पॉइंटर वेरिएबल, व्हाट इज द साइज ऑफ पी, पी की बात करें तो पी के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, व्हाट इज द साइज ऑफ पी इन दैट केस, P will takes only 2 bytes because of near. Near pointer का size क्या है 2. Plus near pointer के respect में near pointer में store क्या होता है only offset part. Means near pointer के अंदर मैंने manually assign क्या कराया complete address. लेकिन near means जैसे complete address के store कराने के लिए required space कितना 4 bytes. लेकिन P के पास available space कितना 4 bytes और only 2 bytes. Only 2 bytes इसलिए इसके अंदर store क्या only address of offset address. और ऑफसेट क्या है 4 टाइम f मीन्स ऑल टाइम्स 1। इसमें अगेन मैं इस पर्टिकुलर पॉइंटर के अंदर ओनली स्टोर क्या हुआ है ओनली ऑफसेट एड्रेस, मीन्स फाइनली कहीं ना कहीं भी पी के अंदर कहीं भी सेगमेंट एड्रेस फाउंड हो रहा है क्या नहीं। सेम एज क्यू की बात करें क्यू का भी टाइप क्या है ऑल्सो नियर पॉइंटर, क्यू का भी टाइप क्या है ऑल्सो नियर पॉइंटर, देन क्यू के अंदर भी मीन से क्यू के पास अवेलेबल स्पेस कितना 2 बाइट्स, लेकिन इसे एड्रेस को स्टोर करने के लिए टोटल बाइट्स कितने रिक्वायर्ड है 4 बाइट्स, अवेलेबल कितने 2 बाइट्स। अगेन नियर पॉइंटर ओनली स्टोर क्या करे ऑफसेट पार्ट, तो इसके इसमें भी ऑफसेट पार्ट क्या है 4 टाइम एफ, मीन्स अगर इस फिजिकल कंटेंट्स के बेसिस पर बात करें तो दोनों ही एड्रेस सेम लोकेशन के हैं डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, तो इसका मतलब पी और क्यू डिफरेंट डिफरेंट बाइट्स को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन पी और क्यू के अंदर ओनली स्टोर क्या हुआ है ओनली ऑफसेट पार्ट। बाय डिफॉल्ट पर्टिकुलर केस रिप्रेजेंट किसको करेगा, बाय डिफॉल्ट दोनों ही नियर मीन्स नियर पॉइंटर ऑलवेज रिप्रेजेंट किसको करता है बाय डिफॉल्ट डेटा सेगमेंट और एट्थ सेगमेंट, मीन्स पी भी किस लोकेशन के ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट्थ सेगमेंट, क्यू भी किस लोकेशन के ऑफसेट को रिप्रेजेंट कर रहा है एट्थ सेगमेंट। इस केस में फाइनली जब कंपैरिजन कराएंगे फिजिकली पी और क्यू में क्या असाइन किया गिवन एड्रेस, फिजिकली अगर इन दोनों कंटेंट्स को कंपेयर करें तो सेम है डिफरेंट डिफरेंट, तो क्या आना चाहिए फॉल्स, फॉल्स मीन्स जीरो। लेकिन इस केस में कंपेरिजन मीन्स जब पी और क्यू के पास अवेलेबल क्या ऑफसेट, और दोनों केस में ऑफसेट कैसे सेम और डिफरेंट डिफरेंट, सेम फर्स्ट केस में ऑफसेट क्या 65535 और वी कैन से 4 टाइम एफ, सेकेंड केस में ऑफसेट क्या है ऑल्सो सेम कंटेंट 65535 मीन सेम और डिफरेंट सेम, तो इसलिए इस फर्स्ट केस में इसका आउटपुट क्या प्रिंट होगा ट्रू और फॉल्स, फॉल्स, और सी लैंग्वेज में फॉल्स किससे रिप्रेजेंट होता है जस्ट जीरो, तो इस केस में आउटपुट क्या मिलेगा आपको जीरो। क्लियर, अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट किसका एक्सप्लेन किया जस्ट नियर पॉइंटर ओनली, इसे एग्जाम्पल में मैं चेंजेस क्या कर रहा हूँ नियर के प्लेस पर फार पॉइंटर, मीन दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू नियर पॉइंटर। देन अगेन मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ बेस्ड ऑन फार पॉइंटर, तो इस केस में पॉइंट मीन पॉइंटर सेम है, इस केस में यूज क्या कर रहा हूँ जस्ट फार पॉइंटर, टाइप कास्टिंग केस में करा हुआ ऑल्सो फार पॉइंटर। देन अगेन सेम एग्जाम्पल्स इस देन, लेकिन इस केस में मेमोरी एलोकेशन फार पॉइंटर के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसे पी की बात कर रहे हैं फार पॉइंटर के अकॉर्डिंग पी का साइज क्या होगा 2 बाइट और 4 बाइट, 4 बाइट्स, क्यू का भी साइज क्या है 2 बाइट और 4 बाइट्स, 4 बाइट्स,
इस नेक्स्ट डायग्राम में किसके रिस्पेक्ट में क्रिएट करना है, जस्ट विद रिस्पेक्ट टू फार पॉइंटर क्रिएट किया हो रहा है, पॉइंटर पी एंड पॉइंटर क्यू, पॉइंटर पी एंड क्यू दोनों के साइज क्या है, 2 बाइट और 4 बाइट्स, दोनों का साइज क्या है एग्जैक्टली 4 बाइट्स। एज कर लो दिस इज द फर्स्ट 2 बाइट, फर्स्ट 2 बाइट में क्या रिप्रेजेंट होगा सेगमेंट, और नेक्स्ट 2 बाइट्स में क्या रिप्रेजेंट होगा ऑफसेट। क्लियर मीन्स पी ओ क्यू के प्रीवियस केस में इनका टाइप क्या था, नियर पॉइंटर, नियर पॉइंटर के केस में ओनली 2 वाइट स्पेस एलोकेट हुआ था, इसलिए आपके लिए ओनली ऑफसेट पार्ट एड्रेस स्टोर कराना पॉसिबल था, जबकि इस केस में सेगमेंट एड्रेस भी स्टोर करना पॉसिबल प्लस ऑफसेट एड्रेस भी स्टोर कराना पॉसिबल। फर्स्ट 4 डिजिट से रिप्रेजेंट क्या हुआ सेगमेंट, तो सेगमेंट एड्रेस पी में क्या पास किया उन्हें 008, ऑफसेट पार्ट क्या इसका 4 टाइम f। जैसे प्रीवियस केसेस में इन केस ऑफ नियर पॉइंटर, नियर पॉइंटर के केस में एड्रेस डिफरेंट डिफरेंट पास किए थे, लेकिन प्रीवियस केस में दोनों के अंदर सेम ऑफसेट थे ऑफ सेम सेगमेंट। जैसे प्रीवियस केस में पी और क्यू सेम लोकेशन के नेम थे, डिफरेंट लोकेशन सेम लोकेशन, इसलिए रेट क्या मिला था आपको, सॉरी प्रीवियस केस में मिस्टेक किया है, इस केस में दोनों ही पॉइंटर में कंटेंट्स क्या थे एग्जैक्टली सेम कंटेंट 65535 इक्वल 65535, इसलिए रेट क्या मिला था 2 मीन्स 1, टाइपिंग मिस्टेक किया था मैंने 1। नेक्स्ट वन, लेकिन इस केस में बात करना पी के अंदर कौन सा सेगमेंट, मीन्स पी इस करेंट केस में किस सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है 8 सेगमेंट, और क्यू के केसेस में सेगमेंट एड्रेस क्या सेम और डिफरेंट डिफरेंट 007, मीन्स प्रीवियस केस में सेगमेंट एड्रेस स्टोर ही नहीं हुआ था, इसलिए कंपेरिजन पॉसिबल नहीं था, लेकिन इस केस में दोनों ही पॉइंटर्स के पास सेगमेंट एड्रेस भी है प्लस ऑफसेट एड्रेस भी है। इस केस में जस्ट क्यू किस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है 7th सेगमेंट, क्या इसके अंदर सेगमेंट कौन सा 7th, और पी के अंदर सेगमेंट कौन सा 8। इस केस में अगेन जब पी को कंपेयर करो तो इस केस में दोनों ही कंपेरिजन परफ होंगे, सेगमेंट एड्रेस भी कंपेयर होंगे प्लस ऑफसेट भी कंपेयर होंगे, इस केस में ऑफसेट दोनों के कैसे सेम, लेकिन सेगमेंट कैसे सेम और डिफरेंट डिफरेंट, इसका मतलब दोनों ही पॉइंटर के अंदर सेम लोकेशन का एड्रेस है, डिफरेंट लोकेशन। इस लोकेशन का नेम क्या है स्टार पी, इस लोकेशन का नेम क्या है स्टार क्यू, देन इस केस में पी और क्यू को कंपेयर करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा इस केस में फॉल्स, क्योंकि इस केस में ऑफसेट तो सेम है लेकिन ये फॉल्स किसके रिस्पेक्ट में आएगा सेगमेंट एड्रेस के रिस्पेक्ट में। तो प्रीवियस केस में आपको रिजल्ट क्या मिला था 1, लेकिन सेकेंड केस में नियर पॉइंटर के रिस्पेक्ट में रिजल्ट क्या मिलेगा आपको 0। क्लियर, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नियर फार पॉइंटर। इस फार पॉइंटर के अंदर मीन नियर पॉइंटर के अंदर दोनों ही केसेस में स्टोर किया हुआ था 8th सेगमेंट का एड्रेस, जबकि फार पॉइंटर में मैंने 7th सेगमेंट भी स्टोर कराया और 8th सेगमेंट भी स्टोर कराया। क्लियर, नेक्स्ट वन अदर डिफरेंस, अदर डिफरेंस के रिस्पेक्ट में बात करें जस्ट अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जस्ट विद रिगार्डिंग ओनली पी। इस पहले आप इस डायग्राम को एक बार कंप्लीट कर लेना, वीडियो को वॉच करें, वॉच कर लो पहले, देन नेक्स्ट वन अगेन सेम केस। अब मैं बात करूँ इस केस में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन, जिसके बेसिस पर आपके लिए ह्यूज पॉइंटर का कॉन्सेप्ट इजीली समझना पॉसिबल है। इन दैट केस करेंटली पी किसको रेफर कर रहा है 8th सेगमेंट, इस लोकेशन का नेम क्या है पी के रिस्पेक्ट में स्टार पी, पी के रिस्पेक्ट में करेंटली असाइन क्या हुआ है ऑफसेट एज वेल एज सेगमेंट, तो पी के अंदर फाइनली ऑफसेट एड्रेस क्या स्टोर हुआ है एफ 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 एफ। जस्ट इसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट सेशन में इसके एग्जांपल्स भी प्रोवाइड करूंगा विद सॉल्यूशन, देन आपके लिए प्रैक्टिस करना पॉसिबल। अभी जस्ट मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन सेगमेंट पार्ट क्या इसके इसमें 008, दिस इज द सेगमेंट एड्रेस एंड दिस इज द ऑफसेट एड्रेस, सेगमेंट एंड ऑफसेट एड्रेस। नेक्स्ट वन सपोज दैट इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के जस्ट बाद में परफॉर्म क्या कर रहा हूँ पी प्लस प्लस, मीन्स पॉइंटर में जस्ट मैंने इंक्रीमेंट परफॉर्म करा है, परफॉर्म क्या करा है इंक्रीमेंट इन पी, और पी का टाइप कैरेक्टर पॉइंटर, इसलिए इंक्रीमेंट कितने से होगा ऑलवेज 1। अगर पी करेंटली इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है तो इंक्रीमेंट के बाद पॉइंट क्या होना चाहिए जस्ट नेक्स्ट लोकेशन, मीन्स अगर आप इस बाइट के एड्रेस में इंक्रीमेंट 1 से कराओगे तो आपको न्यू एड्रेस क्या मिलेगा नेक्स्ट बाइट का एड्रेस, मीन्स एक्सपेक्टेड एड्रेस क्या नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट वाइट के केस में ऑफसेट क्या है 0, ऑफसेट एड्रेस क्या है 0, सॉरी सही है ऑफसेट एड्रेस क्या है 0, लेकिन सेगमेंट एड्रेस क्या है इसका 9th सेगमेंट,
इस पर्टिकुलर केस में अगर आप p में इंक्रीमेंट कराते हो, मींस जस्ट मैं इंक्रीमेंट इस प्लेस पर ऐड कर रहा हूं p प्लस प्लस, अगर p में इंक्रीमेंट कराते हैं देन p के केस में इंक्रीमेंट होगा 1 से, तो 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद अब सेम मींस प्रीवियस केस में इसका सेगमेंट क्या था 8, इंक्रीमेंट के बाद न्यू सेगमेंट क्या मिला आपको 9th सेगमेंट प्लस ऑफसेट क्या मिला 0, लेकिन मींस लेकिन जस्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था नियर पॉइंटर के केस में नियर पॉइंटर के थ्रू केवल करंट सेगमेंट एक्सेस करना पॉसिबल है, प्रीवियस या नेक्स्ट सेगमेंट एक्सेस करना पॉसिबल नहीं, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ हर पॉइंटर, क्लियर। मींस इस केसेस में एक्सपेक्टेड केस क्या था नेक्स्ट बाइट, मींस इस पर्टिकुलर केस में कभी भी सेगमेंट चेंज करना पॉसिबल नहीं है, ओनली ऑफसेट चेंज होगा, तो ऑफसेट के अकॉर्डिंग जब आप जब इंक्रीमेंट कराओगे तो सेगमेंट क्या रहेगा अगेन सेम, सेम मींस 0008, इंक्रीमेंट किस पार्ट में हो रहा है जस्ट दैट पार्ट, इस केस में जस्ट एड्रेस क्या है इस टाइप में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मीन्स ए पार्ट आपके लिए चेंजेबल है क्या, नहीं चेंजेज ओनली किस में होंगे सेम पार्ट, सेम केस में अगर बात करें जस्ट बाइनरी नंबर क्या था 16 times 1 और इसमें इंक्रीमेंट किससे कराया 1 से, जब आप एडिशन कराओगे तो 1 प्लस 1 क्या मिलेगा 0 कैरी इज 1, मीन्स आपको फाइनली क्या मिलेगा 16 times 0 कैरी इज 1, तो कैरी आपको डिस्कार्ड हो जाएगा ओनली क्या मिलेगा 0 0 0, इसलिए इसे एड्रेस क्या रिप्रेजेंट हो रहा है मीन्स इसे इंक्रीमेंट ऑपरेशन के बाद इस प्लेस पर न्यू एड्रेस क्या साइन होगा मीन्स दिस इज द प्रीवियस एड्रेस, न्यू एड्रेस क्या साइन होगा सेम ऑफसेट बट न्यू सेगमेंट, सॉरी सेम सेगमेंट डिफरेंट ऑफसेट, अब किस ऑफसेट को पॉइंट करा जीरो, मीन्स इस केस में इनिशियली पी किसको पॉइंट करा था लास्ट वाइट को, इंक्रीमेंट के जस्ट बाद लास्ट वाइट को पॉइंट करा जीरो वाइट मीन्स दिस जीरो वाइट, मीन्स इस वाइट का इंक्रीमेंट के बाद इसका नेम क्या हो जाएगा स्टार पी, दिस इज द न्यू लोकेशन ऑफ स्टार पी, अगर आपको चेक करना है सबसे पहले इस केस में इस स्टेटमेंट के राइट डाउन करने के बाद प्रोग्राम में आप राइट क्या करोगे सिंपल प्रिंट एफ, अगर किसी वेरिएबल का कंप्लीट एड्रेस डिस्प्ले कराना यूज क्या करोगे कैपिटल एफ पी स्पेस और स्लैश एन, देन डिस्प्ले क्या कराएंगे एड्रेस ऑफ पी सॉरी ओनली पी, पी में क्या स्टोर है इस डिस्प्ले क्या कराना पी का एड्रेस है पी के कंटेंट, पी के कंटेंट, तो फर्स्ट केसेस में बात करूँ फर्स्ट दैट केस, अभी मैंने कोई इंक्रीमेंट नहीं कराया तो फर्स्ट केस में इस पर्टिकुलर असाइनमेंट के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या डिस्प्ले होगा इस केस में 0008 कॉलन एफ 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 एफ, नेक्स्ट उन्होंने परफॉर्म क्या करा इंक्रीमेंट, जब इंक्रीमेंट कराएंगे तो पी किसको पॉइंट करेगा मीन्स पी रेफर क्या करेगा दैट एड्रेस, मीन्स इंक्रीमेंट किस में होगा सेगमेंट पार्ट में और ओनली ऑफसेट, ओनली ऑफसेट, देन अगेन आप नेक्स्ट टाइम फिर से प्रिंट टैप के थ्रू का डिस्प्ले कराओगे प्रिंट टैप परसेंट एफ पी स्लैश एन देन अगेन पी, तो नेक्स्ट टाइम क्या डिस्प्ले होगा नेक्स्ट एड्रेस मीन्स दैट वन 0008 अगेन 00, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इन गिवन केस, अगर आप इन फोर स्टेटमेंट को राइट डाउन करके प्रोग्राम को चेक करो देन आपको करेस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या मिलेगा दैट वन, मीन्स फाइनली फार पॉइंटर का लिमिटेशन क्या है फार पॉइंटर के थ्रू ओनली करंट सेगमेंट एक्सेस करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन अगर सेम केस में अब मैं सेम नेक्स्ट केस एक्सप्लेन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू ह्यूज पॉइंटर, पहले आप इस पूरे कोड को कॉपी कर लेना क्या उसी को मॉडिफाई करके मैं एक्सप्लेन करूँगा विद रिस्पेक्ट टू ह्यूज पॉइंटर, ह्यूज पॉइंटर और फार पॉइंटर में जस्ट बेसिक डिफरेंस क्या है साइज, दोनों ही केसेस में साइज कैसे हैं एग्जैक्टली सेम, ओनली डिफरेंस क्या है फार पॉइंटर के थ्रू ओनली करंट सेगमेंट एक्सेस करना पॉसिबल जबकि ह्यूज पॉइंटर के थ्रू होल रेसिडेंस मेमोरी एक्सेस करना पॉसिबल, होल रेसिडेंस मीन्स प्रीवियस सेशन करेंट सेशन और नेक्स्ट सेशन एनी वन, मीन सेम डायग्राम अगर फर्स्ट केस में अगर बात करें अगेन सेम केस मीन्स अगर आपका सेम कोड अवेलेबल फर्स्ट वन, तो सबसे पहले जैसे इस केस में पी क्रिएट हुआ तो पी के केस में पी का साइज कितना एलोकेट हो रहा है 2 बाइट और 4 बाइट, व्हाट इज द साइज ऑफ फॉर ह्यूज पॉइंटर, ह्यूज पॉइंटर के केस में साइज क्या होता है ऑल्सो 4 बाइट्स 2 बाइट्स 4 सेगमेंट एंड 2 बाइट्स 4 ऑफसेट, क्लियर। तो इस केस में जस्ट मैंने इनिशियली सेगमेंट एड्रेस क्या पास किया 0008, ऑफसेट एड्रेस क्या साइन किया 4 times f, मैं आउटपुट में डिस्प्ले करा रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू फार पॉइंटर सॉरी ह्यूज पॉइंटर, तो इस केस में डिस्प्ले करा है परसेंट एफ पी स्लैश एन पी, यहाँ एफ पी का मीन क्या फार पॉइंटर, मीन्स
एफपी के थ्रू किसी भी पॉइंटर का एड्रेस डिस्प्ले कराना पॉसिबल है। डिफरेंस क्या है, परसेंट यू से ओनली ऑफसेट एड्रेस डिस्प्ले होता है, अगर आप परसेंट पी यूज कर दो परसेंट पी से भी क्या डिस्प्ले होगा, ओनली ऑफसेट पार्ट इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल फॉर्म। अगर आपको कंप्लीट एड्रेस डिस्प्ले कराना यूज क्या करोगे, फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट कैपिटल एफ पी। देन अभी पी में गिवन कंटेंट्स है, देन एग्जीक्यूशन किसका हुआ, प्रिंट एफ। जैसे प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, पी के कंटेंट्स का डिस्प्ले हो जाएंगे, दैट वन क्लियर, सेम कंटेंट्स है। इसके जस्ट बाद जब इंक्रीमेंट कराओगे, तो प्रीवियस केस में फार पॉइंटर की केस में इंक्रीमेंट कराने के बाद सेगमेंट एड्रेस मॉडिफाई नहीं हुआ, तो मॉडिफाई क्या हुआ, तो ओनली ऑफसेट आपको क्या मिला था, जीरो। देन अगेन पॉइंटर सेम सेगमेंट के फर्स्ट बाइट को पॉइंट करना इसने स्टार्ट किया था, क्लियर। बट इन दैट केस अगर ह्यूज पॉइंटर के रिस्पेक्ट में बात करें, इन केस ऑफ ह्यूज पॉइंटर जब भी इंक्रीमेंट कराओगे, तो इस केस में इंक्रीमेंट दोनों ही प्लेसेस पर हुआ है, यहाँ एट के बाद मिस ह्यूज पॉइंटर पॉइंट किसको करेगा, नेक्स्ट प्लेस, मिस इस लोकेशन का नेम क्या हो जाएगा, स्टार पी। तो इस केस में सिगमेंट एड्रेस चेंज हुआ है, नहीं हुआ, सिगमेंट भी चेंज होगा प्लस ऑफसेट भी चेंज होगा, सिगमेंट क्या हो जाएगा नाइन प्लस ऑफसेट क्या हो चुका है जीरो। देन इसके जस्ट बाद फिर से प्रिंट एफ से डिस्प्ले कराएं, देन डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में, जीरो जीरो 09 देन 000। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूज पॉइंटर। इसके जस्ट नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड कई सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्प्ले कराऊंगा, अभी तक मैंने आपको फिजिकल एड्रेस का कोई भी कॉन्सेप्ट शो नहीं किया, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में जस्ट डिस्कस करेंगे अबाउट फिजिकल पॉइंटर यूजिंग एग्जाम्पल्स, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगा, प्लीज इस एग्जाम्पल को स्किप मत करना। अगर आपने पर्टिकुलर पूरा वीडियो आपने वॉच किया है, और अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर वॉच नहीं किया, देना आपके लिए पूरा वीडियो मीनिंगलेस रहेगा,